नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि, ये हमारा चैप्टर जैसा आप जानते हैं पूरा हो चुका है और आज जो हमारा सेशन है वो प्रश्न और उत्तर के लिए है। तो हम लोग आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं, वो है सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचारित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। क्या है आंसर, पहचान लिया? चलिए चेक कर लेते हैं। ठोसों, द्रवों तथा गैसों में सब में ध्वनि संचरित हो सकती है। अब आप फिर से देखिए कि निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की? वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम, चलिए पहचानिए, पुरुष की। आवृत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने आप ट्रू और गलत के सामने आप एफ लिखिए। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है, टी या एफ? बिल्कुल ठीक, निर्वात में वो संचारित नहीं हो सकती है। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, नहीं इसको आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल दूसरा एक हमारा फिनोमिना है, तो ये इसलिए फॉल्स है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि क्या होगा, मंद नहीं होगी, है ना। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 से 20,000 हर्ट्ज है, ये हमने पढ़ा था, ये ट्रू है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारा तो उतना ही अधिक होगा, बताइए, फॉल्स है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये भी गलत है। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, ये ट्रू है। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के में लिए गए समय को हम क्या कहते हैं, एक दोलन पूरा करने के लिए आवर्तकाल। तो आवर्तकाल देखा आपने क्या है, एक दोलन जब पूरा होता है वो आवर्तकाल है, आवृत्ति अलग है, याद रखिएगा। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, याद आ गया? चलिए चेक करिए, हर्ट्ज। अवांछित ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शोर। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है, कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है कि उसकी आवृत्ति कितनी है, ठीक है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। अब एक और प्रश्न है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल है समय लगा और दोलन की संख्या, तो समय जो है वो है 4 सेकंड और दोलन के जो है संख्या वो है 40, तो आवर्तकाल हो गया 0.1 सेकंड। आवृत्ति हो गया दोलन की संख्या अपॉन समय लगा, कितना लगा है, तो दोलन की संख्या 40 है और समय लगा है 4 और ये हो गया 10 हर्ट्ज। तो ये देख लीजिए आवृतकाल है कितने समय में कितने दोलन की संख्या है और आवृत्ति है दोलन की समय और अपॉन समय लगा, तो ये दोनों डिफरेंस है। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है, तो समय और अपॉन दोलन की संख्या, और हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं, ढोलक, सितार, बांसुरी। तो ढोलक, ढोलक में तने के झिल्लियां होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती हैं। सितार, सितार में तने तार कंपन होने पर वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और बांसुरी में जो होता है वो पवन संगीत वाद्य यंत्र है, और जो ये ध्वनि उत्पन्न के लिए वायु स्तंभ का उपयोग करता है। तो ये हमारे आ गए तीन वाद्य यंत्र, ये किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब ये शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? संगीत एक ध्वनि है जो एक मधुर अनुभव उत्पन्न करती है, जबकि शोर एक अवांछित और अप्रिय ध्वनि है। संगीत प्रकृति संगीत वाद्य यंत्र आदि द्वारा उत्पन्न होती है, शोर वाहनों के हॉर्न मशीनों आदि द्वारा उत्पन्न होती है। संगीत भी शोर का रूप धारण कर सकती है अगर संगीत को ज्यादा ऊंची आवाज में चलाया जाए या बहुत सारे संगीत एक ही समय में जोर जोर से चलाए जाए। तो जैसा कहा था, संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है और हमारी मानसिक अवस्था पर भी डिपेंड करता है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो शोर प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की आवाजें, विस्फोट जिनमें पटाखे फोड़ना, मशीन, लाउड स्पीकर आदि शामिल हैं। घर के स्रोतों से भी शोर प्रदूषण होता है। तो ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन या ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई के उपकरण, कूलर, वातानुकूल जो हम यूज करते हैं, एसी, ये सब जो है ये शोर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये हमारे वातावरण में शोर प्रदूषण करते हैं। वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो ये अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। थोड़ा तो एक एज इफेक्ट भी होता है, लेकिन काफी यंग लोगों में भी अब ये प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि लगातार वो शोर में रहते हैं। इसलिए जब कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं वो अपने कान में या प्लग्स लगाते हैं कि उनका कान सेफ रहे और उनको कम साउंड सुनाई दे। एक और प्रश्न आ रहा है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो सड़क के किनारे शोर प्रदूषण ज्यादा है, इसलिए मैं एक ऐसे मकान का सुझाव दूंगा जो सड़क के किनारे में 3 गली दूर है, क्योंकि वहां क्या होगा, प्रदूषण जो स्तर है वायु का या शोर का वो काफी हद तक कम होगा। डायरेक्ट नहीं वो, और हम यहाँ पे कोई व्हीकल चल रहा है तो हम उसके जितने पास में रहेंगे हमें ज्यादा अधिक शोर सुनाई देगा, हम जितना दूर जाएंगे हमें वो कम सुनाई देगा। एक और प्रश्न है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनिक होते हैं कि उनके बीच में वायु को निकालने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब तो वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उसकी वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। और जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको अपने जब वो ये वाला टॉपिक कर रही थी मैंने आपको अपना एक पिक्चर दिखाई थी, आप उससे देखकर बना सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत से प्रश्न और उत्तर करे, और लास्ट में तो हमने पूरा आपको एक शॉर्ट में आपको मिल गया कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हमने जब आपको ये वाला सेशन करा था उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया था, तो इसलिए अब आंसर आपको हमने पढ़ के बता दिया है। तो आप वो सारा वो जो स्ट्रक्चर है वो आप उस पिक्चर को देखकर बना सकते हैं, और जितने ये प्रश्न हैं इनके उत्तर आप याद रखें।
कुछ जैसे हमारे आवर्त काल, आवृत्ति, ऐसे थोड़ी सी डेफिनेशन से परिभाषाएं जिनको आपको याद करना होगा। और शोर और ये टाइप के जो हैं, ये तो एक हमारी समझ के हैं, इनको अगर हमें याद करने की नीड नहीं है, समझ लिया तो हम लिख सकते हैं क्या शोर है, क्या संगीत है और किस प्रकार हम अपने को इससे सुरक्षित, जो शोर है उससे अपने श्वास को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अभी एक और सेशन है, थोड़े और प्रश्न और उत्तर है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।